दोस्तों नमस्कार, मैं अभय भार्गव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंटा ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम आपकी मुलाकात अपने उन तमाम सीनियर कलाकारों से करवाते हैं जिन्होंने फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में अपनी कला का योगदान देकर एक बहुत बड़ा नाम किया है। जी हाँ, आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही कलाकार से करवाने वाले हैं। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने हिंदी, तमिल, मलयालम, पंजाबी जैसी फिल्मों में करीब 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वो कोई और नहीं, हम सबके प्रिय श्री शरत सक्सेना जी हैं। शरत जी नमस्कार। हमारे सिंटा की तरफ से ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट है, तुलसी का पौधा। और हम चाहते हैं कि जैसे तुलसी का पौधा लोगों को अपना आशीर्वाद देता है, आपका आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहे और आपका प्यार हमारे साथ ऐसे ही फलता फूलता रहे। शरत जी, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है, तो ये एक्टिंग की तरफ आपका रुझान कब और कैसे हुआ? सब हर आदमी बेवकूफ़ी करता है अपनी ज़िंदगी में एक आध बार, और हमने भी करी। क्या छोटे शहर में रहते थे, जबलपुर जैसे शहर में, और अपने आप को शीशे में देखते थे, सोचते वाह व्हाट हैंडसम पर्सन, कितने हैंडसम हैं हम। तो ये बेवकूफ़ी दिमाग में बैठ गई थी कि हम हैंडसम हैं और हीरो बनने लायक मटेरियल है। तो फिर हमने सोचा कि साहब फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जाए। पिताजी से बोला कि साहब हमें फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। तो पिताजी ने कहा कि दो छापड़ मारेंगे सब सुधर जाएगा, जा कर के इंजीनियरिंग करो। तो ठीक है साहब, इंजीनियरिंग करने चले आए, इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद फिर पूछा पिताजी से, तो पिताजी ने कहा ठीक है, अभी तुम्हारे पास प्रोफेशनल डिग्री आ गई, अब जो चाहे करना करो, जो मूड आए करो। तो साहब हम बम्बई चले आए और पता चला बम्बई आने के बाद कि साहब फिल्मों में काम इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो काफ़ी दिन इधर उधर धक्के खाए पिताजी की चिट्ठी आई कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ नौकरी करो। तो नौकरी करने चले गए, एक कंपनी थी हिंद रेक्टिफायर्स, वहाँ जा कर के नौकरी करी। एक महीना नौकरी करी, साथ में फोटोग्राफर बनने की भी कोशिश कर रहे थे तो एक कैमरा खरीद लिया था। और हमारे एक मित्र थे चंदन घोष, तो वो फोटोग्राफर थे, हमारे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। तो एक दिन वो धर्म जी के भाई की फ़ोटो खींच रहे थे, उनका नाम था वीरेंद्र। तो वीरेंद्र साहब के साथ फ़ोटो वोटो उनकी खींची हमने, हमने रिफ्लेक्टर पकड़ा। और फ़ोटो खींचने के बाद वीरेंद्र साहब ने कहा चलो तुम लोगों को खाना खिला देते हैं, तो लंच खिला रहे थे उनको। तो लंच के दौरान उन्होंने हमसे पूछा कि तुम भी क्या एक्टर बनना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, इरादा तो है, तुमको फ़ोटो वोटो हैं कुछ? तुमने कहा हैं, तुम दिखाओ। हम पास ही में रहते थे, तुम जाके फ़ोटो लेके आ गए, उनको दिखाई। तो उन्होंने वो फ़ोटो फिर अपने प्रोड्यूसर को दिखाई, प्रोड्यूसर ने हमको रोल दे दिया। तो पहला रोल मिल गया मुझको। उसके बाद वो जो शूटिंग वूटिंग करी थी हमने, उसकी स्टिल्स लेकर के घूमा करते थे सब ऑफिसेज में। अपना श्री साउंड स्टूडियो था और फेमस स्टूडियो में बहुत सारे ऑफिस हुआ करते थे, तो वहाँ जा कर के फ़ोटो लेकर के घूमते थे, स्ट्रगलिंग करते थे, लोगों के ऑफिस में जाते थे, मिलते थे, फ़ोटो वोटो दिखाते थे। तो रमेश बहल के यहाँ से कुछ काम मिल गया, सलीम और जावेद साहब से हमारी एक पहचान निकल आई थी, तो उनके घर जाते थे, उनसे मुलाकात करते थे। तो एक दिन सलीम साहब को सडनली एक ख्याल आया, तो उन्होंने जावेद भाई से कहा कि इसको अपन काला पत्थर में वो धन्ना का रोल क्यों नहीं दे देते? तो जावेद साहब ने कहा ठीक है चलो दे देते हैं। तो सलीम साहब ने हमसे कहा कि आप जाइए यश चोपड़ा साहब के पास, उनसे कहिए कि आपको हमने भेजा है और वो आपको एक रोल दे देंगे। तो हमको काला पत्थर में रोल मिल गया। फिर इसी प्रकार उन लोगों ने हमको बहुत सारी पिक्चरों में रोल दिलवाया, बड़ी मेहरबानी थी उन लोगों की। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपने करियर के 25 साल सिर्फ फाइटर का काम किया, आप बतौर एक्टर कब शुरू हुए? उस ज़माने में हमारे पूरे देश में जिस आदमी के मसल्स होते थे, जो आदमी पहलवान लगता था या ऐसा लगता था कि इस आदमी ने थोड़ी कसरत करी है, उस आदमी को
लेबर क्लास समझा जाता था, उस आदमी को एब्सोल्युटली नो फाइन आर्ट्स, नो फाइनर फीलिंग्स, नो, ही कुड नॉट बी एन एक्टर, ही कुड नॉट बी अ राइटर, ही कुड नॉट बी एनीथिंग, ही कुड ओनली बी अ फाइटर। और हम अनफॉर्चुनेटली बम्बई आए थे थोड़े तगड़े थे, क्योंकि हमारे पिताजी भी एथलेट हुआ करते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जी। तो उनकी देखा देखी हम लोग भी थोड़ा इंस्पायर हो गए थे, तो हमने भी काफ़ी एक्सरसाइज करी थी। तो बम्बई के जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमको देखते थे तो उनको एक्टर नहीं नज़र आता था, उनको एक फाइटर या जूनियर आर्टिस्ट नज़र आता था। तो हमने कुछ 30 साल तक के सिर्फ एक्शन का काम किया, और जब एक्टिंग की बात आती थी तो हमको डायलॉग्स मिलते थे, यस बॉस, नो बॉस, वेरी सॉरी बॉस, माफ़ कर दीजिए बॉस, आइंदा ऐसे गलती नहीं होगी बॉस, ये डायलॉग बोलते थे हम। तो करीबन 30 साल ऐसे डायलॉग बोले, खूब फाइट्स करी। फिर उसके बाद जब बूढ़े हो गए, जब बाल सफ़ेद हो गए, एक पिक्चर हमने करी थी, उसका नाम था आगाज़। तो आगाज़ में हमको गंजा कर दिया गया था, हमारे सुनील शेट्टी साहब ने हमारी धुलाई करी थी उसमें, और फिर नाई को बुला करके हमको गंजा किया जाता है कैमरा के सामने, और नंगा करके वॉक कराया जाता है। तो वो गंजा एक्चुअल किया था? हाँ जी। तो शूटिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद पिक्चर रिलीज़ हो गई, सुपर फ्लॉप हो गई, और उसके बाद हम गंजे थे, तो जब बाल हो गए तो सफ़ेद हो गए, तो हमने सफ़ेद बाल रख लिए। तो उसके बाद बाप का रोल मिल गया, एक पिक्चर थी तुमको ना भूल पाएंगे जी। उसमें सलमान खान के बाप का रोल किया, और हमें एक साहब ने अपने शाद अली नाम ने, डायरेक्टर हैं शाद अली जी, उन्होंने हमको एक पिक्चर थी साथिया, उसमें हीरोइन का बाप बना दिया जी जी। बेहतरीन काम था आपका उसमें। वो पिक्चर रिलीज हो गई, रोल बहुत छोटा था, लेकिन न जाने क्यों लोगों को बहुत पसंद आ गया वो रोल। उस रोल के बाद हमारा जरा क्लासिफिकेशन फ्रॉम फाइटर टू एक्टर आ गया था। इस चीज़ को होने में कुछ 30 साल लगे थे। सर, आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, फिर आप बतौर हीरो क्यों नहीं आए? सर, ये राम भक्तों का देश है, ये राम भक्तों का देश है, और यहाँ पे जो हीरो होता है उसकी शक्ल में राम दिखना चाहिए, और जो विलन होता है उसकी शक्ल में रावण दिखना चाहिए। तो हमारा नॉर्थ इंडिया का कंसेप्ट ये है कि राम गोरे थे, उनके सीधे बाल थे, और वो हैंडसम थे, और हम बेचारे मध्य प्रदेश के प्राणी, मध्य प्रदेश में ऐसे लोग नहीं मिलते, मध्य प्रदेश में हमारे जैसे लोग मिलते हैं। तो हमको बेचारे को, हम जैसे बेचारे लोगों को हमेशा फाइटर बना देते थे या विलन बना देते थे, तो ऐसे ही रोल करते थे हम लोग, हीरो बनने की चांस ही नहीं थी। वो जबलपुर में जब थे तो हमने सोचा था हम हीरो बनेंगे, लेकिन वो हमारी गलतफहमी थी। सर, जब आपने फिल्मों में शुरुआत की, उस ज़माने में और आज के ज़माने में काम मिलने में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? सर, बहुत फ़र्क आ गया है। उस ज़माने में प्रोड्यूसर इतने बड़े आदमी नहीं थे, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी जो होता था उसको ऑफिस एक छोटा सा एक रूम होता था, कितना भी बड़ा प्रोड्यूसर हो। हम तो यश चोपड़ा साहब के ऑफिस में अक्सर बैठे रहा करते थे, एक छोटा सा कमरा था उनका राजकमल स्टूडियो में, और एक कोने में उनकी डेस्क थी, वो वहाँ बैठते थे, सामने एक आध सोफे लगे हुए थे पुराने, हम लोग उस पर बैठे जाते थे, चाय आती थी तो चाय पी लेते थे, कोई सैंडविच आता तो खा लेते थे, बट वी वर इन द सेम रूम। कैमरामैन भी आ जाते थे, वो भी बैठे रहते थे अपने, क्या कहते हैं, केजी साहब। तो आप जब काम मांगने जाते थे या प्रोड्यूसर से मिलते थे तो वन टू वन मीटिंग होती थी उनसे, एंड इट यूज़ टू बी नाइस। वो प्रोड्यूसर को आपका नाम भी याद हो जाता था, दो चार बार मिल लिया आप उनसे, दो चार बार चाय पिला दी उन्होंने, तो इट यूज़ टू बिकम लाइक अ, दे यूज़ टू बी लाइक योर फ्रेंड्स। और जब उनको किसी, कैसे यार छोटा सा रोल देना है किसी को, किसको दे रहे, उसको बुला लो, उसको ले लो। आजकल अलग हो गया। आजकल क्या हुआ है, पिक्चरें बहुत बड़ी बनने लगी हैं, टिकट की प्राइस बहुत बढ़ गई है। आजकल एक पिक्चर जो रिलीज़ होती है तो 5,000 प्रिंट रिलीज़ होते हैं, पिक्चर फ्राइडे को लगती है, मंडे तक के उसके पैसे की रिकवरी हो जाती है, और वो सुपरहिट भी हो जाती है।
पुराने जमाने में एक पिक्चर को हिट होने में करीबन 25 हफ्ते लगते थे, और उसके बहुत बड़ी पिक्चर हुई तो पूरे देश में 40 प्रिंट उसके रिलीज होते थे, और टिकट उस जमाने में 2 रुपए की आती थी, तो किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, न हीरो के पास ज़्यादा पैसा होता था, न प्रोड्यूसर के पास, न डायरेक्टर के पास। तो सबके छोटे छोटे से दफ्तर होते थे, कोई बाहर सेक्रेटरी बैठता था। आजकल जो प्रोड्यूसर होता है उसका ऑफिस जो होता है 2 फ्लोर होती है। आप जब प्रोड्यूसर से मिलना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप जब जाके मिलना चाहते हैं तो सामने एक पहले तो गेटमैन होगा, गेटमैन ने अगर आपको अंदर जाने दिया तो एक सेक्रेटरी बैठी होगी, टेलीफोन ऑपरेटर बैठी होगी, वो आपसे बेहुदा के सवाल पूछती है, बेहूदगी के सवाल। हाँ जी, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, व्हाई हैव यू कम हियर, हु डू यू वांट टू मीट। अरे शक्ल पे लिखा नहीं है कि हम शरद सक्सेना है, हमारा एक्टर है, 40 साल से हम एक्टिंग कर रहे हैं, पिक्चर में काम कर रहे हैं। आप पिक्चर तो देखती नहीं है, आप तो अंग्रेजी पिक्चर देखती हैं, आप टीवी सीरियल देखती हैं, और आप जब एक आदमी से ऐसे सवाल पूछती हैं तो उस आदमी को आप यू आर डिलिबरेटली ट्राइंग टू मेक हिम फील स्मॉल। ये जो हरकत चालू हो गई है इसकी वजह से एक एलियनेशन हो गया है बिटवीन द एक्टर एंड द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, दे हैव बिकम टू बिग। एंड जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है आजकल, द डिस्पैरिटी बिटवीन पीपल इज इंक्रीजिंग, द पुअर मैन इज गेटिंग पुअरर, द रिच मैन इज गेटिंग रिचर, सेम थिंग इज हैपनिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री, बट नाउ समथिंग वर्स इज हैपनिंग। अब एक अंग्रेजों की कॉपी करते करते हम लोगों ने एक नया आइटम लिया है फिल्म इंडस्ट्री में, उस आइटम का नाम है कास्टिंग डायरेक्टर। पहले क्या होता था, जितने प्रोड्यूसर होते थे, डायरेक्टर होते थे, उनके ऑफिस में एक फाइल होती थी जिसमें वो स्क्रीन मैगजीन से, फिल्म फेयर मैगजीन से कटिंग काट करके फोटो वोटो चिपका लेते थे एक्टरों के, और जब उनको कास्टिंग करनी होती थी उसके थ्रू जाते थे, और जितने भी पिक्चर में छोटे मोटे रोल होते थे वो फोटो देख करके अपने आप कास्टिंग कर लेते थे, बुला लेते थे फ़ोन करके। आजकल वो काम हमारे प्रोड्यूसर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टर नहीं कर रहे हैं, आजकल वो कास्टिंग डायरेक्टर को बुलाते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई इतने पैसे में ये पिक्चर की कास्टिंग कर दो। ये जो थर्ड पार्टी अरेंजमेंट जो हो गया है ना आजकल का, इसमें एक जो एक मुलाकात होती थी आपके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ वो बंद हो गई है। और एज आई सेड कि एक तरीके से ये जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। सर आपने काफ़ी नेगेटिव रोल्स किए, और फिर एक दौर बीच में ऐसा आया जब आपने नेगेटिव रोल्स में थोड़ा कॉमिक टच देना भी शुरू किया। उसकी वजह ऐसा क्या है कि जो विलन होता है पिक्चर में, जो बुरा आदमी होता है, उसको नोबडी लाइक्स, चिल्ड्रन आर स्केयर्ड ऑफ हिम, पीपल डोंट रियली लाइक हिम, बट इफ नोबडी लाइक्स यू देन हाउ डू यू बिकम अ स्टार। टू बिकम लाइकेबल, व्हेन अ नेगेटिव कैरेक्टर डज अ लिटिल कॉमेडी एंड द ऑडियंस लाफ्स, देन एट दिस इट बिकम्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली दोज पीपल स्टार्ट लाइकिंग दिस मैन। कि ये नेगेटिव है बट डोंट टेक हिम सीरियसली, ही इज अ कॉमेडियन ऑल्सो, एंड देन द चिल्ड्रन स्टार्ट लाइकिंग यू, चिल्ड्रन बिकम योर फैन, एवरीबडी बिकम्स योर फैन। अब ये नहीं है कि मैंने ये बात डिस्कवर करी है, आप पुरानी पिक्चरें देखना तो वहाँ पर प्राण साहब को देखना, प्राण साहब हमेशा थोड़ी कॉमेडी कर देते थे अपनी पिक्चरों में। और एक बार क्या हुआ था, हम शूटिंग कर रहे थे अब्बास मुस्तान साहब के साथ, तो अब्बास भाई ने हमसे कहा कि देखिए ऐसा है कि एक्टिंग करके आप स्टार बन सकते हैं, लेकिन सुपरस्टार बनने के लिए आपको कॉमेडी करनी पड़ेगी। तो आई इम्प्लीमेंटेड दैट एंड इट हैज ऑलवेज वर्कड। थोड़ी कॉमेडी कर दो, लोग खुश हो जाते हैं, यूनिट पे आपको पता चल जाता है शूटिंग के टाइम कि साहब अच्छा काम हो रहा है और मज़ा आता है। सर ये बताइए कि वो पहली कौन सी फिल्म थी जिसमें आपने नेगेटिव में कॉमिक लाने की कोशिश की थी? सर मेरे ख्याल से पहली पिक्चर रही होगी मेरे ख्याल से मिस्टर इंडिया। अच्छा। क्योंकि मिस्टर इंडिया की ब्रीफिंग हमको शेखर कपूर ने दी थी कि दैट यू आर ऑल कार्टून कैरेक्टर्स,
आप विलन है ठीक है, मुगैम्बो भी विलन है ठीक है, लेकिन उसके चमचे भी जो हैं दो, डागा और तेजा, वो भी कार्टून कैरेक्टर्स ही हैं। तो आप अपने आप को विलन भी समझिए, लेकिन आप बेसिकली कार्टून हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो कार्टून में हरकतें की, वो लोगों को बहुत पसंद आई। हाँ, बहुत अच्छा था। तो हम विलन भी थे और जब विलन ही भी करते थे तो उसमें थोड़ा कार्टून हरकतें थी। जो हमारे सर पे वो एक हेलमेट गिर जाता है तो वो रिवर्स कैमरा से लिया था शॉट, बड़ा प्यारा है। तो एनीवे वो दैट स्टार्टेड मी ऑन दिस कॉमेडी ट्रैक। उसके बाद हमने एक पिक्चर करी त्रिदेव। तो त्रिदेव में हम पुलिस ऑफिसर थे, करप्ट पुलिस ऑफिसर। तो पहले दिन की शूटिंग हमने करी, हमको बिल्कुल मज़ा नहीं आया, सीरियसली करी थी हमने पिक्चर। तो दूसरे दिन मैंने राजीव राय से कहा, मैंने कहा राजीव यार बहुत बोर हो रहे हैं इस रोल में, क्या करें? तो उसका तुमको जो मर्जी आया करो। उन्होंने बिल्कुल टोटल फ्रीडम दे दी मुझे। तो मैंने मुंह में पान डाला, अपनी भाषा थोड़ी बदली और हरकतें जो चालू करी, आप कभी हो तो पिक्चर देखना, आपको समझ में आएगा कि कॉमेडी ट्रैक कहाँ से आ गए उसमें। दैट कैरेक्टर बिकेम अ टोटल कॉमिक कैरेक्टर, बट ही इज अ विलन, इज अ नेगेटिव कैरेक्टर। तो जब आप विलनी में आप थोड़ी कॉमेडी डाल देते हो तब आता है मज़ा। आप थोड़े डर भी रहे लेकिन थोड़ा हंस भी रहे। दैट इज व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ फियर, हेट्रेड एंड ह्यूमर, इट इज़ अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन एंड इट वर्क्स एवरी टाइम। सर आपने इतनी एक्शन फिल्में की हैं, आप ये बताइए कि पुराने ज़माने के एक्शन में और आज के ज़माने के एक्शन में आपको क्या फ़र्क दिखाई देता है? सर हम जो भी उस ज़माने में एक्शन करते थे, ज़रा रिस्की बहुत था, बहुत रिस्की काम होता था, क्योंकि हम लोगों के यहाँ सेफ्टी मेजर्स होते नहीं थे। डॉक्टर वुड नेवर बी ऑन द सेट, अपनी दवाइयाँ खुद लेकर चलना पड़ता था, और जब चोट लगती थी खुद अपने मलम पट्टी करनी पड़ती थी। हमारे उस ज़माने के जितने सबको चोटें लगती थी, मलम पट्टी करनी पड़ती थी, हॉस्पिटल जाना पड़ता था। मैं 8 बार हॉस्पिटल गया हूँ, मेरे को 8 बार सर्जरी हुई है। जब भी चोट लगी है तो अच्छी बड़ी बड़ी चोटें लगी हैं, हाथ टूटे हैं, हड्डियाँ टूटी हैं, मसल्स कट के निकला है बाहर, ये देखिए सब ये निकले हुए, सब सिलाए हुए हैं। अगर गिरना है कहीं से तो नीचे, पहले तो जब हमने फिल्म लाइन ज्वाइन करी थी तो जब ऊपर से डाइव मारते थे, नीचे जंप मारते थे, तो नीचे 10 फाइटर लोग एक नेट पकड़ के खड़े रहते थे और जब जंप करते थे तो इट यूज़ टू टेक दैट, क्या कहते हैं, मोमेंटम, एंड स्लोली यू आर अलाउड टू कम डाउन, तो चोट नहीं लगती थी। फिर उसके बाद साहब आए बॉक्सेस, बहुत सारे क्रेट एक के ऊपर एक लगा देते हैं, ऊपर गद्दा डाल देते हैं, फिर आप उसमें से जाएगा, आपको 3rd फ्लोर से कूदना है अगर तो 1st फ्लोर तक के आपके गद्दे वो क्रेट्स लगे रहते हैं। जब आप गिरते हैं तो यू गो थ्रू दोस क्रेट्स, दोस कार्डबोर्ड कार्टन्स, एंड योर वेलोसिटी इज डिक्रीज, सो यू डोंट गेट हर्ट। बॉक्सेस के बाद आए एयर बैग्स। एयर बैग में नीचे एक पंप लगा रहता है जिससे हवा भरते हैं, एंड द एयर बैग इज अबाउट 1.5 फ्लोर हाई। यू जंप फ्रॉम द 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर ऑन टू द एयर बैग, और फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर यू फॉल ऑन द एयर बैग, एंड द एयर बैग डिफ्लेट स्लोली एंड यू कम डाउन, सो यू डोंट गेट हर्ट। लेकिन इन सब चीज़ों में सब में चोटें लगती थी। अच्छा। किसी का कॉलर बोन टूटता था, किसी का पैर टूटता था। हमारे एक एक्टर थे जो हेलीकॉप्टर से गिरे तो बिल्कुल एज पे गिर गए वो एयर बैग के, तो उसके साले, उसके बेचारे के दोनों पैर टूट गए थे। इंदर कुमार की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में जब स्पेशल इफेक्ट्स करते थे तो तार से लटकाते थे कोई चीज़ और वो चीज़ घूमती थी। जगह आपने मिस्टर इंडिया देखी होगी तो उसमें जो हनुमान जी का सीन है तो हनुमान जी को एक तार से लटकाया गया है और हनुमान जी सबको मारते घूमते हैं वहाँ पर, तो वो तार को पेंट करना पड़ता था टू मर्ज विद द बैकग्राउंड। तो हमारे पीटर परेरा कैमरामैन साहब ये सब चीज़ों में स्पेशलाइज थे तो वो करते थे सब। अब क्या हो गया, अभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई है तो आप बिल्कुल सेफ्टी के साथ चेन और हार्नेस पहन करके 12वीं मंजिल से स्लोली आप नीचे आते हैं, और पोस्ट प्रोडक्शन में वो चेन को और वो हार्नेस को मिटा दिया जाता है and it looks as if we are doing a free fall. So because of technology today action has become easier
and not so dangerous. It is still dangerous, but it is not as dangerous as it used to be. Sir, पहले स्टूडियोज में सेट लगा करते थे, शूटिंग होती थी, जैसे रंजीत स्टूडियो, फेमस स्टूडियो, काफी स्टूडियो थे बड़े बड़े, वहां सेट लगते थे. उस टाइम की वर्किंग कंडीशन में और आज की वर्किंग कंडीशन में आपको क्या फर्क लगता है? सर, बहुत फर्क है. उस जमाने में जब ये स्टूडियोज ऑपरेटिंग थे जी, उस जमाने में एसी नाम की चीज नहीं होती थी हिंदुस्तान में. लोगों के घर में भी एसी नहीं होते थे. इट वॉज अ लग्जरी आइटम. तो स्टूडियोज में तो खैर एसी होते ही नहीं थे, जो पसीने में काम करते थे और पसीना टपकता रहता था. ऊपर तराफों पे बेचारे लाइटमैन बैठता था, वो सिर्फ चड्डी पहन के बैठता था वहाँ पे. अच्छा. और उसका जब पसीना गिरता तो कभी कभी एक्टरों पे गिर जाता, तो एक्टर लोग बड़े नाराज होते थे, पसीना गिरता है तुम्हारा. लेकिन दैट वॉज द वे यूज टू वर्क. पसीना, इसीलिए हम लोग कहते हैं साहब, फिल्म लाइन में पसीने, खून पसीने की कमाई है. जब एक्शन करते तब खून निकलता है और वैसे पसीना तो फुल टाइम निकलता है. और जब मान लीजिए गलती से आप एक ऐसा रोल कर रहे हैं जो कश्मीर की वादियों में लिया गया है और उसकी शूटिंग बम्बई में हो रही है, तब आप सोच लीजिए क्या होता है. कि अच्छा, उस जमाने के जितने एक्टर थे, डायरेक्टर थे, उनको आउटलैंडिश कपड़े पहनने का बड़ा शौक था. वाह, अगर आप विलन है तो आपको ओवरकोट तो पहनना पड़ेगा. तो यहां तक का ओवरकोट और उस पर मफलर और उसके ऊपर हैट या फिर वो फर कैप पहन करके आप विलन बने. दाढ़ी और मूंछ चिपकी हुई है. यू आर लुकिंग लाइक अ, क्या कहते हैं उसको, अबोमिनेबल स्नोमैन. एंड दैट इज हाउ विलन्स यूज टू लुक. और वैसी कंडीशन में साहब काम करते थे. लेकिन एक मैं आपको बताऊंगा किस्सा. हीरोज हमारे देव साहब एक हमारे फेवरेट एक्टर थे और हम उनकी बड़ी इज्जत करते थे हमेशा से. ही वॉज एन इंस्पिरेशन टू मोस्ट ऑफ अस. इज अ ग्रेट मैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, वट एवर, अ मैन दैट शुड बी रेवर्ड. देव साहब को हमने एक बार देखा, हम उनके साथ एक पिक्चर में काम कर रहे थे, उसका नाम था जाने मन. उसमें वो टैक्सी ड्राइवर बने थे और हम भी टैक्सी ड्राइवर बने थे. तो साहब पिक्चर के दौरान एक कव्वाली का सीक्वेंस है जिसमें देव साहब कव्वाली गा रहे हैं और हम सब चमचे पीछे कव्वालियों के कपड़े पहन कर ताली बजा. तो ये महबूब स्टूडियो में शूटिंग थी और महबूब स्टूडियो के सेट लगा हुआ था, कव्वालों का सेट लगा था और लाइटिंग चल रही थी और देव साहब सेट पर बैठे थे पूरे अपनी अचकन और वो शेरवानी पहने हुए, शेरवानी पहने, सर पे टोपी और दाढ़ी मुंह चिपका करके बैठे हुए एक कुर्सी पे, नो एसी. तो एक किसी प्रोडक्शन वाले को बड़ी दया आई होगी देव साहब पे, तो उसने पंखा उनकी तरफ कर दिया. अब मैं बैठा हुआ था, देव साहब ने उसको बुलाया, उसे कहा देखो मुझे जरूरत नहीं है, लाइटिंग डिपार्टमेंट बहुत मेहनत कर रहा है, पंखा उनकी तरफ कर दो. पंखा उनकी तरफ कर दिया गया. देव साहब गर्मी में एक शेरवानी पहने हुए, दाढ़ी मूछ लगाए, सर पर टोपी पहने वहां बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर, शॉट रेडी हो जाएगा तो कैमरे के सामने खड़ा हो जाएगा. फिर हमने एक बार साहब नासिक में शूटिंग कर रहे थे हम. नासिक की गर्मी में कड़कती धूप, हम डाकू बने थे उस पिक्चर में, तो हम तो डकैतों के कपड़े पहने हुए थे. प्राण साहब उसमें खाकी गरम कोट पहने हुए, शायद पुलिस वाले बने थे उसमें, खाकी गरम कोट, सर पे टोपी, दाढ़ी मूछ अगेन चिपकाए हुए, वो धूप में एक कुर्सी पे शाम में आराम से बैठा हुआ. कोई कंप्लेंट नहीं, कोई मेरी तरफ फैन लेके आओ, मुझे मेकअप वैन चाहिए, कुछ नहीं. उस जमाने मेकअप वैन होती नहीं थी, जो है सो है. या तो मेकअप रूम में बैठो, अब नासिक की आउटडोर शूटिंग में मेकअप रूम तो होता नहीं, तो बेचारे कहीं ना कोई अगल बगल कोई पेड़ नहीं, धूप में वो एक कुर्सी, और उस जमाने में फोल्डिंग चेयर आती थी स्टील की, उस पर बैठे थे. सो दिस इज द वे आवर सुपर स्टार्स ऑफ दोज डेज बिहेव्ड, विदाउट एनी डिमांड्स, नो डिमांड्स एट ऑल. मेहनत करनी है, पिक्चर अच्छी बनानी है, बस इतना ही. सर आपने साउथ की बहुत सी फिल्मों में काम किया,
तो जब आप वहाँ काम कर रहे थे तो भाषा बोलने में, उस लैंग्वेज में आपको कुछ डिफिकल्टी आई होंगी? सर बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। हमको तो बम्बई में काम मिलता नहीं जैसे फाइटर का काम मिलता था। तो एक दिन हम थोड़े ज़रा दुखी हो गए अपने आप से। शीशे में जब सुबह उठ करके शक्ल देखते थे और शूटिंग के लिए तैयार होते थे तो मालूम है कि जब शूटिंग करने जा रहे हैं वहाँ मार खाएंगे, गंदे होकर के वापस आ जाएंगे। एक्टिंग का काम तो था ही नहीं, फाइटर का काम करते थे हम। दैट इज ऑल्सो डिग्निटी इन लेबर, बट इट वॉज गेटिंग अ लिटिल टू मच। 30 साल से आप वही काम कर रहे हो तो ज़्यादा हो गया था। तो अचानक हमने अपनी बीवी से पूछा, हमने कहा अपने पास कुछ पैसे वैसे हैं क्या? उसने कहा हाँ ठीक है पैसे हैं थोड़े बहुत हैं। कितने? अरे 4-5 महीने निकल जाएंगे। तो मैंने कहा आज से मैं काम बंद कर रहा हूँ, मैं हिंदी फिल्मों में फाइटर का काम नहीं करूँगा। अगर कोई अच्छा रोल आएगा तो करूँगा, बंद नहीं करूँगा। इत्तेफाकन विद इन द नेक्स्ट वीक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कमल हसन ऑफिस। एक तमिल पिक्चर के लिए ऑफर आई उनकी, हमने हाँ बोल दिया और हमने जा कर के कमल हसन के साथ एक आर्ट फिल्म करी, उसका नाम था गुना। उस पिक्चर की शूटिंग के दौरान मेरी मुलाकात हुई शिवाजी गणेशन साहब के बड़े बेटे के साथ जिनका नाम है रामू। तो रामू साहब ने मुझको एक ऑफर दे दी कि मेरी तमिल फिल्म में रजनीकांत के साथ उसमें काम करोगे? मैंने कहा साहब बिल्कुल करेंगे। तो मैंने मन्नन में काम किया। मन्नन के बाद मैं एक हिंदी पिक्चर कर रहा था NNCP साहब की, उसका नाम था गुंडा राज, जिसमें कि ये इंजरी आई थी, बाइसेप निकल गया था मेरा। तो गुंडा राज की शूटिंग के दौरान चिरंजीवी साहब ने मुझसे पूछा कि आई बिलीव यू आर डूइंग मन्नन, विल यू डू द मन्नन इन तेलुगु? आई सेड व्हाई नॉट सर, तो आई डिड मन्नन इन तेलुगु। इस तरह से हमारा एक दौर चालू हो गया। सो आई स्टार्टेड डूइंग अ होल लॉट ऑफ तमिल फिल्म्स, तेलुगु फिल्म्स एंड मलयालम फिल्म्स। ये अपने ये प्रियदर्शन साहब के साथ मैंने जितनी पिक्चरें करीब 5-6 पिक्चर मलयालम में करी जब वो हिंदुस्तान हिंदी पिक्चरों में आए नहीं थे। अब वहाँ पे क्या है, पिक्चरें एक टाइम लिमिट में बनती हैं। उस ज़माने में हिंदी पिक्चरें बनने में 3 साल लगते थे। पिक्चर आज शुरू होती थी और कब रिलीज होगी किसी को नहीं मालूम। वो रॉकेट लॉन्च जो होता है ना 10, 9, 8, 7, 6, 5, वो नहीं होता है हिंदुस्तान हिंदी फिल्मों में। 1 से गिनती शुरू करते हैं, कहाँ तक जाएगी पता नहीं, कहाँ तक जाएगी पता नहीं और कब लॉन्च होगी पता नहीं। 5,000 पे लॉन्च हो, 10,000 पे लॉन्च हो, कोई भरोसा नहीं। तो ये हो रहा था। तो हमने बहुत सारी पिक्चर करी, करीबन 40 पिक्चरें करी होंगी हमने वहाँ पर। बस तकलीफ बस होती थी डायलॉग्स में, क्योंकि डायलॉग बुलवाते थे वो लिपसिंग के लिए, पर कोई और आके डबिंग करता था। तो पहले पहल तो ठीक था क्योंकि बाइफोकल लगे नहीं थे, आंखें ठीक ठाक थी, तो दूर कटर पे लिख दिया तो पढ़ लेते थे या कागज़ पे लिख दिया तो पास में पढ़ लेते थे। अभी आंखें ख़राब हो गई हैं, दूर का भी नहीं दिखता है, पास का भी नहीं दिखता है, तो कटर भी नहीं पढ़ सकते, पास का कागज़ भी नहीं पढ़ सकते। तो मैंने काम ही बंद कर दिया। मैंने कहा दिस इज़ टू मच, साला हार्ट अटैक होने लगता है। जब डायलॉग याद नहीं हो ना साहब, कैमरे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, और हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि अब तो डर लगने लगा है। मैंने कहा नहीं करना मुझे काम। तो अपनी अभी जितनी हमने रिसेंटली पिक्चरें करी है साउथ में, सब में अंग्रेजी में बात करी है, हिंदी में बात करी। चलो जी, कोई ऐसा किस्सा जो आपको अभी भी याद हो? ज़्यादा किस्से नहीं है हमारे जीवन में, ज़रा कमी है। लेकिन दो बड़े लोगों ने मुझको एक बार इतना कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि साहब हमारा एक तरीके से जीवन सफल हो गया। एक बार हम ऐसे ही घर में बैठे हुए थे रात को 11 बजे, तो एक फ़ोन की घंटी बजी। उस ज़माने में लैंडलाइन हुआ करती थी, तो हमने फ़ोन उठाया, हमने बोला हेलो, तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, शरद कैसे हो? मैं प्राण बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन प्राण? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अरे भाई मैं प्राण एक्टर बोल रहा हूँ। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा सॉरी सर मैं पहचाना नहीं था। मैंने कहा क्या हुआ सर? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैंने तुम्हारी पिक्चर देखी, पिक्चर का नाम था आज का गुंडा राज। तो कहने मैंने आज का गुंडा राज देखी, तुम्हारा काम बड़ा अच्छा लगा,
तो मैंने तुम्हारा नंबर ढूंढ रहा था दो तीन दिन से, आज मिल गया तो इसलिए फ़ोन किया। तुमने काम बड़ा अच्छा किया। अरे मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, मैं आपसे आके मिल सकता हूँ कल? कहा जाओ बेटा कभी, जब भी तबीयत हो। तो मैं दूसरे दिन गया उनके, कुछ फूल वूल लेकर के जाके उनके पैर छू के आया। एक बार ऐसे हम थोड़े टीवी सीरियल कर रहे थे, तो एक टीवी सीरियल था जो बीआर चोपड़ा साहब बनाते थे, उसका नाम था कानून। उस टीवी सीरियल में एपिसोड के एंड में अशोक कुमार साहब एक कमेंट दिया करते थे, क्योंकि उन्होंने, अशोक कुमार साहब ने उनकी एक पिक्चर करी थी कानून। तो एक दिन हम ऐसे ही पहुँचे बीआर चोपड़ा साहब के ऑफिस में, तो चोपड़ा साहब ने बुलाया हमको, कहने लगे मालूम कल कौन आया था ऑफिस में? मैंने कहा नहीं सर क्या हुआ? कहने कल दादा मुनि आए थे, दादा मुनि आने के अशोक कुमार, और तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, पूछ रहे थे कहाँ से लेके आए उस लड़के को। तो मैंने कहा कि ये बम्बई का ही है, बम्बई में काम करता रहता है। तो मैंने चोपड़ा साहब से कहा, मैंने कहा सर हो सके तो मेरी मुलाकात करा दो उनसे, दादा मुनि से, मैंने आज तक मिला नहीं उनसे, बड़ा अच्छा लगेगा उनसे मिलकर। तो अरे ठीक है, अगले बार मैं लंच पे उनको बुलाऊंगा, तुमको भी बुलाऊंगा। तो एक दिन उन्होंने लंच पे दादा मुनि को बुलाया, मुझको भी बुलाया, फिर मैंने बैठ करके दादा मुनि के साथ लंच खाया। सर अब कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बात हो जाए। तो पर्सनल लाइफ क्या है, एक बीवी है, दो बच्चे हैं, एक बड़ा भाई है जो भोपाल में रहता है, और तो कोई है नहीं, एक हमारी बहन है इलाहाबाद में। शादी हो गई हमारी काफ़ी लेट, द एज ऑफ 31, क्योंकि रहने को घर नहीं था, पेइंग गेस्ट रहते थे। तो मेरी जो बीवी है उनकी छोटी बहन की शादी पहले हो गई। तो छोटी बहन की जब शादी हुई तो उनके हस्बैंड ने एक फ्लैट खरीद लिया, वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे। फिर वो अपनी बीवी को लेकर के शिप पे चले गए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई वो मेरा फ्लैट खाली पड़ा है, तुम जाके रहने लगो वहाँ पे। तो ये हमने जब किया तो घर भी मिल गया रहने को, तो शादी भी कर ली, तो शादी हो गई। शादी जब हो जाती हिंदुस्तान में तो बच्चे भी होते हैं। तो मेरा बेटा पैदा हुआ, बेटा के नाम है विशाल। मैंने कहा हम लोग तो चले जाएंगे, बेचारा अकेला पड़ जाएगा दुनिया में। तो हम लोगों ने एक और संतान पैदा करी, एक बेटी, उसका नाम है वीरा। तो वो बेटे से 8 साल छोटी है। मेरा बेटा जो है वो, उसने विल्सन कॉलेज से BMM नाम की डिग्री प्राप्त करी, बैचलर ऑफ मैथ्स मीडिया। तो उसने फिर एडवर्टाइजिंग की नौकरी कर दी, बड़ी अच्छी कंपनी में बड़ी अच्छी पोस्ट मिल गई उसको। एक साल भी नौकरी नहीं करी, उसने कनाडा के लिए अप्लाई किया, कनाडा चला गया। अभी वो कनाडा में रहता है, वहाँ पे बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई उसको एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, तो इज़ वेरी हैप्पी नाउ। मेरी बेटी जब 4-5 साल की थी तब से उसको एक्ट्रेस बनने का शौक था, उसके डिसाइड कर लिए थे मुझे तो एक्टर ही बनना है। तो पूना में पढ़ती थी वो, फर्ग्यूसन कॉलेज में, तो वहाँ पे उसके काफ़ी लोगों से दोस्ती हो गई जो थिएटर ग्रुप के लोग हैं। तो उसने काफ़ी मराठी थिएटर में काम किया, इंग्लिश थिएटर में काम किया, हिंदी में तो शायद ज़्यादा नहीं काम किया उसने। फिर वहीं पे एक पिक्चर में काम मिल गया, तो एक पिक्चर में छोटा सा दोस्त का काम कर दिया, फ्रेंड। फिर उसने एक पिक्चर भी करी, उसका नाम था हंटर, उसमें शी वॉज वन ऑफ द हीरोइंस। फिर वो पिक्चर में काम किया, फिर एक आध टीवी फिल्म में काम किया, समथिंग FM नाम की पिक्चर में काम किया था। फिर थिएटर करती रहती है, देन ऑडिशंस चले इसके ब्यूटी इन द बीस्ट के, वॉल्ट डिस्ने, तो दैट वॉज रिक्वायर्ड अ सिंगर टू सिंग लाइव ऑन स्टेज इन इंग्लिश। ऑडिशन हुआ, सेलेक्ट हो गई, तो शी डिड द रोल ऑफ मिसेस पॉट्स ऑन स्टेज लाइव सिंगिंग फॉर, कितना, 1-2 घंटे का शो था, 2 घंटे गाना गाती थी वहाँ, वेयरिंग दैट स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम। अब आप देखिए साहब, सलीम साहब ने मेरी इतनी मदद करी थी जीवन में, क्या बोला जाए। सलमान ने मेरी बेटी की मदद कर दी,
Well, it's almost as if a legacy that your father helped me and now you are helping my daughter. तो रेस थ्री में मेरी बेटी ने गाना गाया, मेल वॉइस इज सलमान, जैकलिन फर्नांडिस की आवाज मेरी बेटी की। हर इंसान या हर एक्टर के जीवन में कभी ना कभी कोई उतार चढ़ाव आता रहता है, क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, हमारे जीवन में तो खैर दिस वॉज अ वेरी ऑफ्ट रिपीटेड थिंग, बट द थिंग दैट रियली हैपेंड, आई मीन जिसने एक तरीके से मार्गदर्शन कर दिया मेरा, वो हुआ था जब मेरा बच्चा कुछ 2 या 3 साल का था और हमारे पास काम नाम की चीज़ नहीं थी, कोई काम नहीं था। अचानक एक पिक्चर में काम मिला, 7 दिन का काम था, मैं अंधेरी ईस्ट में रहता था, वहाँ से ड्राइव करके मैं यहाँ आता था मडाइलिन, यहाँ शूटिंग करता था, शाम को 100 रुपये मिलते थे कन्वीनियंस के। उस ज़माने में हमारे बैंक में हमारे पास रहे होंगे कुछ 500 रुपये और फ्यूचर में कोई पैसा आते हुए नहीं दिख रहा था। दैट इज़ अ वेरी फ्राइटनिंग थिंग इन बॉम्बे, बिकॉज व्हेन यू हैव डोंट नो मनी देन इट कैन बिकम वेरी बॉदरसम। तो एनीवे वो 700 रुपये हमने कमाए 7 दिन में एज पेट्रोल मनी, और फिर 7 दिन के बाद हमको पेमेंट के तौर पे एक फूलों का गुलदस्ता दिया गया था। तो दैट वाज ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटिंग, लेकिन ठीक है। इत्तेफाकन हमारे पास एक फ़ोन लग गया था उस टाइम, पहले उस ज़माने में 6 साल लगते थे फ़ोन लगाने में, हमको फ़ोन लग गया, फ़ोन मिल गया था वहाँ पे अंधेरी ईस्ट में। तो मैंने फ़ोन लेकर के फिल्म लाइन की डायरेक्टरी लेकर के हाथ में, जितने लोगों को मैं जानता था, जितने लोगों का नाम जानता था, सबको फ़ोन किया और सबसे कहा कि साहब मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे काम चाहिए। और ईश्वर की कृपा कहिए या फिल्म लाइन के लोगों की दया कहिए, सब ने मुझको काम दिया। जितने लोगों को मैं जानता था, जितने लोगों को फ़ोन किया था, जिनके लिए मैं पहले काम कर चुका था, सब ने ऑफिस बुला करके रोल्स दिए मुझको, छोटे रोल दिए, चमचे के रोल दिए, कहीं किरण कुमार के चमचे का रोल, तो कहीं गुलशन ग्रोवर के चमचे का रोल, तो कहीं रजा मुराद के चमचे का रोल, और हमने सब किए और दिल लगा के किए। ऐसा नहीं कि चमचे का रोल है तो हम अकड़ जाए, नहीं, जो भी काम करो ठीक से करो वरना मत करो, ये फिलॉसफी रही है हमेशा। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि हम एक तरीके से वापस फिल्म लाइन में आ गए और काम करने लगे, पैसे आने लगे, और वो जो हमने वो हाल देखे थे वो फिर से जिंदगी में अभी तक के इतने सालों में वो कंडीशन फिर से कभी नहीं आई। इस चीज़ ने हमको सिखा दिया कि भैया काम करते रहना चाहिए, चाहे 1 दिन का काम हो चाहे 2 दिन का काम हो, काम करते रहना चाहिए। आप 1 दिन शूटिंग अटेंड करते हैं तो आपकी कम से कम 100 लोगों से मुलाकात होती है, वो आगे बात बढ़ाते हैं, इट बिकम्स अ चेन ऑफ इवेंट्स। सर, इस उतार चढ़ाव से एक और सवाल साथ में जुड़ जाता है, हमारी जो आज की जनरेशन है उन्हें भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, काफ़ी निराश हो जाते हैं, उन लोगों को आप कुछ नसीहत देना चाहेंगे? भाई, हमारी इसमें यही एडवाइस हो सकती है, सजेशन हो सकता है कि जो काम मिले उसको करो। आप कई बार एक्टर सोचता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरा रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा, मेरा इमेज ख़राब हो जाएगी और फिर मुझे बेटर रोल्स नहीं मिलेंगे, अच्छे रोल्स नहीं मिलेंगे। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल तो ऐसा है, बल्कि आप यार एक दिन पिक्चर की शूटिंग करोगे, वो पिक्चर रिलीज भी होगी कि नहीं होगी खुदा जानता है, कोई नहीं जानता। 90% पिक्चर तो रिलीज ही नहीं होती, लेकिन कम से कम आप शूटिंग तो करते हो थोड़ी। हम इसको बोलते हैं नेट प्रैक्टिस, क्रिकेट की तरह एक्टिंग की भी नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप 10 दिन 15 दिन एक्टिंग नहीं करते हो, कैमरे के सामने नहीं जाते हो, तो आपकी ज़रा वो प्रैक्टिस कम हो जाती है और उसमें टाइम लगता है टू गेट बैक इनटू दैट ग्रूव ऑफ एक्टिंग। डायलॉग याद करने में टाइम लगने लगता है। तो मेरा ये कहना है कि आपको जो काम मिले करो, काम को कभी बुरा मत समझो, कभी छोटा मत समझो। काम काम होता है और एक ये पूजा होती है, काम को हमेशा पूजा की तरह समझना चाहिए। और जब भी कोई काम करो अच्छे से करो, ठीक से करो, दिल लगा के करो, डू इट विद द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, अदरवाइज डोंट डू इट। ये एक हम लोगों की तरफ से, सिंटा की तरफ से आपको
छोटी सी भेंट और है, इसे खोलिए सर आप।